तो मैट्रिक्स की अगली क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होंगे तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये सारी चीज़ें समझ रखी है। कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन है, तो हो गया ना इतना, ऐसा पढ़ लीजिए हो, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात हो गई, कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी बात हो गई थी इसमें, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और जो भी कुछ और अलग हैं, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम बात करेंगे, तो मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे हम सॉल्व करते हैं उनमें क्या क्या वो देखेंगे, ठीक है, पढ़े हैं उसको। चलो भैया, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर मैट्रिक्स का सेकेंड क्लास। ये है मैट्रिक्स की लेक्चर नंबर 2, जो आपकी है, हर चीज आपको हम देने वाले हैं। चलिए भाई, तो देखते हैं क्या पढ़ेंगे आप। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर क्या होगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होगा, कोई भी कम ज्यादा हो बट इक्वल नहीं होगा, तो हम कहते हैं उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये सब देख लिए हैं, अब हम समझेंगे आज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, पहले देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़े हो कि नहीं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना हो तो कैसे निकालते, हाँ, रो और कॉलम को क्या करते हैं, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते, तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज लेना होगा तो कैसे करें। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए लिखा है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू लिखा है, सपोज करिए ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है ना हमें, अगर 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कुछ भी है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट होंगे ऑर्डर 3x3 के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात होगी, बस ऑर्डर में जो नंबर लिखे हैं मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये इसकी क्या है, बेसिकली ऑर्डर है, ये ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके नहीं, ऐसे प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, ये नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्टेड आएगा हमारा, जो नंबर आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, और क्या लिखेंगे, ए टू वन, ए टू टू, और हो गया ये ए टू थ्री, ये हो गया आपका ए थ्री वन, ए थ्री टू, और क्या हो गया ए थ्री थ्री। ए टू थ्री का मतलब क्या है, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, मैं कहा था ना इसको किस फॉर्म में हम लिखते हैं, ए आर जे है, या समझो ए आई जे के फॉर्म में अगर कोई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला नंबर नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है जो सफिक्स में नंबर लिखा है, सेकंड वाला नंबर नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता, ये बातें कर ली, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लिखूंगा, इसको लिखेंगे ए डैश, या फिर क्या लिखेंगे, ए के ऊपर टी लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, ए डैश, या क्या लिख देंगे, इसके ऊपर क्या लिखा देंगे हम, ए ट्रांसपोज, कुछ नहीं करना होता, रो को कॉलम में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, रो को कॉलम में, या फिर कहते हैं कॉलम को रो में, क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे इनकी पोजीशन को, पहले रो को पहले कॉलम लिखेंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखेंगे, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में, तो रो को कॉलम में अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा इसको, देखिए जरा, पहला रो हमारा ये है, ये क्या होगा हमारा, पहले कॉलम में आ जाएगा, समझ रहे हो ना, यहां पहले रो को क्या करेंगे, हम कह रहे हैं ना रो को कॉलम में, रो को कॉलम से क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे इनकी पोजीशन को, तो लिखेंगे भैया यहाँ क्या आएगा, ए वन वन, ए वन टू, और ए वन थ्री, सेकेंड रो को उठाएंगे यहाँ से और सेकेंड कॉलम में रखेंगे, क्या है ये ए टू वन और ए टू टू और ए टू, थर्ड रो को उठाएंगे थर्ड कॉलम में लिखेंगे, क्या हो जाएगा ए थ्री वन और ए थ्री टू और ए थ्री। अब जो चीज यहां में नोटिस करनी थी वो क्या है, ये समझिए कि डायगोनल के एलिमेंट यहां पर क्या है, देखो ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, यहां पर डायगोनल के एलिमेंट क्या है, देखो जरा डायगोनल के जो एलिमेंट यहां पर है वही डायगोनल के एलिमेंट यहां भी है, मतलब डायगोनल के एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, डायगोनल के एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, और यहां देखिए कैसे कैसे चेंजेस हुए, ए वन टू यहाँ पर था, अब ए वन टू यहाँ आ गया, ए वन थ्री यहाँ पर था, अब ए वन थ्री यहाँ आ गया, ए टू थ्री यहाँ पर था, ए टू थ्री यहाँ आ गया, अब जरा देखना यही हो रहा है ना, पोजीशन इंटरचेंज,
और यहाँ पर जो भी थे, अब यहाँ पर जो था ए टू वन कहाँ चला गया, ए टू वन यहाँ चला गया, ए थ्री वन था ए थ्री वन यहाँ चला गया, ए थ्री टू था, समझ रहे हो ना किस तरह चेंजेस हो रहे हैं। अब ये वाला जो पोर्शन होता है डायगोनल को ऊपर वाले होते हैं जो, उनको बोलते हैं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आता है तुम्हें? अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? हाँ बस डायगोनल के जो एलिमेंट है उनके ऊपर ही, डायगोनल एलिमेंट्स और ऊपर ही इसको कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे, बाकी हर जगह सब क्या होगा भाई, जीरो ही होगा। माइनस वन है और यहाँ मान लो टू है, यहाँ मान लो सिक्स है, कुछ ऐसे दिए, इसको बोलते हैं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। केवल और केवल एलिमेंट आपको कहाँ दिख रहे हैं यहाँ पर? केवल और केवल एलिमेंट कहाँ दिख रहे हैं आपको बताइए? ऊपर, ये डायगोनल से यहाँ ऊपर तक, इसको बोलते हैं अपर ट्रेंगुलर। तो लोअर ट्रेंगुलर की हम बात करते हैं तो लोअर ट्रेंगुलर, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा ये समझो, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? डायगोनल और उसके नीचे ही केवल एलिमेंट रहेंगे, ऊपर कुछ नहीं रहेगा। अपर ट्रेंगुलर की बात करेंगे, डायगोनल के नीचे सब क्या होगा? जीरो होगा ट्रेंगुलर शेप में, है ना। लोअर ट्रेंगुलर की बात करेंगे तो नीचे ही केवल रहेगा, ऊपर सब क्या हो जाएगा हमारा? जीरो, वन थ्री माइनस वन है, कुछ भी है, है ना, है ना। यहाँ है मान लीजिए वन है, यहाँ है सिक्स है, यहाँ टू है, जो भी है, बाकी हर जगह ऊपर क्या होगा हमारा? जीरो होगा। तो यहाँ देखिए केवल एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है हमें, इसको हम बोलते हैं लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ क्या है, अब इस केस में क्या है, डायगोनल के एलिमेंट क्या है? चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज लेंगे तो जो बातें आपको ध्यान रखनी है, पहले क्या, इसके डायगोनल के एलिमेंट चेंज, उनकी पोजिशन जहाँ थी वही रहेगी। अपर ट्रेंगुलर, लोअर ट्रेंगुलर, अपर ट्रेंगुलर के जो एलिमेंट्स हैं वो लोअर ट्रेंगुलर में चले जाएंगे और लोअर ट्रेंगुलर के जो नंबर थे वो किधर चले जाएंगे? अपर ट्रेंगुलर में। क्लियर हुआ? तो लोअर अपर की पोजीशंस क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे, पर डायगोनल के एलिमेंट की पोजीशन चेंज। स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए ऑर्डर चेंज नहीं होगा, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा हमारा? चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 3x3 यहाँ भी ऑर्डर है, 3x3 यहाँ भी ऑर्डर होगा, लेकिन अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो अभी उसका भी एग्जांपल लेते हैं, उसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ ऑर्डर क्या रहा होगा? 2x3 रहा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x2 हो जाएगा, 2x3 है तो 3x2 हो जाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज, स्क्वायर मैट्रिक्स में सिर्फ इतना देखना है कि अपर ट्रेंगुलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया, चेंज हो जाएगा किसमें? लोअर में, लोअर में चला जाएगा, रिप्लेस कर देगा और लोअर ट्रेंगुलर अपर ट्रेंगुलर, डायगोनल के एलिमेंट चेंज नहीं होंगे। और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब बेसिकली क्या है कि रो को कॉलम से या कॉलम को रो से क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना, नंबर ऑफ एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है ये? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है ना? ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ये निकाल, ठीक है। अब जैसे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए हमने लिखा है, ए मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है, 4 0 मान लो 6 है, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो क्या होगा जरा बताना। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा जरा बताना? रो को कॉलम में क्या करेंगे? इंटरचेंज कर, तो 1 2 3 और यहाँ क्या आएगा? 4 0। अब यहाँ डायगोनल वाली बात नहीं हो पाएगी, अपर ट्रेंगुलर लोअर ट्रेंगुलर डायगोनल की हम बात तब करेंगे जब मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब इस केस में क्या देखिए, अब ऑर्डर यहाँ पर क्या था? 2x3, यहाँ क्या हो गया? 3x2। ऑर्डर देखिए चेंज हो गया कि नहीं, तो ये बहुत समझना पड़ेगा कि किस तरह के मैट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं कि ऑर्डर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यही है कि रो और कॉलम को क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना। कोई दिक्कत? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर है बड़े? अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है, इस मैट्रिक को हम सिमेट्रिक कब बोलेंगे? अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया वो मैट्रिक्स ही आ जा रही है, ट्रांसपोज में डैश लिखें या टी लिखें बात एक ही, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए वो मैट्रिक्स अगर खुद ही आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात हमारी क्लियर है? किसी भी तरह की मैट्रिक्स वो हो सकती है। अब जैसे मान लो इसका कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में इसका कोई समझो, जैसे
जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए लिखा है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं 1 और 2 लिखा है, यहाँ पर यहाँ लिखा है हमने 2 और यहाँ लिखा है 1, मान लीजिए यह है एलिमेंट। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे क्या आएगा जरा बताओ, बोलो। रो को कॉलम में लिखेंगे तो 1 2, फिर से इसको रखेंगे 2 1, यही रहेगा कि नहीं। अब ये मैट्रिक्स है हमारे लिए, क्या हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट को हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिस्कस कर पाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये चीज़, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा तो मैट्रिक्स कैसी रह जाएगी। इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट की हम बात कब कर पाएंगे, जब केवल किसके किसके केस में, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही बात होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ये ध्यान रखना। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगी, उससे मैट्रिक्स कैसे रह जाएगी। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम जब बात करेंगे तो किस तरह की मैट्रिक्स होनी चाहिए ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगी, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया हमने, ये समझो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 1, इसको I2 लिखते हैं बेसिकली। I3 की हमने बात किया, मान लो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा जरा बताओ। यहाँ पर I2 हमने लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा I3 लिखा, देखो कुछ एलिमेंट चेंज होंगे, वही रहेगा जो I2 है वही आ जाएगा कि नहीं, देखो वही आ गया ना सब, यहाँ भी जो लेंगे वही क्या होगा जो है I3 आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट चेंज होते नहीं ट्रांसपोज में, और डायगोनल में ही इसके केवल एलिमेंट आ रहे हैं, इसके केवल डायगोनल में ही तो एलिमेंट आ रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, देखो जरा। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमेशा क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। अभी ऐसा कहाँ कहाँ था, कहाँ कहाँ केवल डायगोनल में एलिमेंट हमें मिल रहे थे, डायगोनल में केवल केवल हमें एलिमेंट कहाँ मिल रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स में मिल रहा था, याद है डायगोनल मैट्रिक्स, और कहाँ कहाँ मिल रहा था जरा बताना हमें, स्केलर मैट्रिक्स, याद है तुम्हें स्केलर मैट्रिक्स, उसी का एक टाइप था ना हमारा ये, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो देख ही रहे हैं साथ साथ क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स का ही स्पेशल टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब इस तरह की 3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स खुद ही, मान लीजिए बहुत इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई मैट्रिक्स नहीं दिया है, केवल वर्ड्स में सेंटेंस लिखे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स, तो सेंटेंस ट्रू होगा या फॉल्स होगा, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, करेक्ट हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स ही आ जाएंगी। लेकिन अगर मैट्रिक्स इस तरह से दिए हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात हो पाएगी। बात समझ में आ गई अपनी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है ना, ठीक है आगे बढ़े। यह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आ गया क्लियर। अब आता है तुम्हारा इसमें स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हालांकि हम लोग बात करते हैं उसमें जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, अभी तो हम बात करेंगे किसके, हाँ एंटी सिमेट्रिक है ना, एंटी सिमेट्रिक। या यही अगर आपका कौन सा नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो इसी को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है ये समझना, इसमें क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें, किसी मैट्रिक्स का क्या लें हम ट्रांसपोज लें, तो मैट्रिक्स तो वही आएंगे बट मैट्रिक्स का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। मैट्रिक्स तो वही आएगी लेकिन मैट्रिक्स का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। एक चीज़ बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक स्टडी किया होगा ऑपरेशंस में तो जानते होंगे, अगर कोई मैट्रिक्स ए लिखा है, ए के जो भी एलिमेंट्स हैं मान लो यहाँ 1 2 3 है, 0 1 6 है, 3 -2 और जो भी है 5 है, चलो मान लेते हैं मैट्रिक्स अगर हुई है, अगर किसी स्केलर नंबर से इस मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को अगर हमने के से क्या किया मल्टीप्लाई किया, इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया मान लीजिए के से मल्टीप्लाई किया, अगर इस मैट्रिक्स को मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, के से यहाँ के हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड कर रहे होंगे हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे के से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट को के से क्या करेंगे
अब हर एलिमेंट को अगर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा जरा देखना, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा 2K, ये हो जाएगा 3K, यहाँ हो जाएगा 0 ही रहेगा, ये के है, यह आ जाएगा 6K, और यहाँ क्या है के है, यहाँ माइनस के 2K, यहाँ क्या है 5। मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई या फिर क्या करना पड़ेगा हमें डिवाइड, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर अगर माइनस ए लिखा है इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स ए होगा उसके हर एक एलिमेंट को माइनस वन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है हमारी बात। अब देखो, अब इस तरह की मैट्रिक्स को हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक, या फिर अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब इसका देखो समझो, कोई एग्जांपल मान लीजिए, कोई एग्जांपल ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं 1 -2 और 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है। अब जानते हो जब भी ट्रांसपोज लेंगे डायगोनल के एलिमेंट तो चेंज होंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर ले हम। अब हमने देखो जैसे मान लीजिए ले लिया कुछ, इसका क्या लेते हैं क्या हम लोग मतलब ट्रांसपोज ले लेते हैं, अब ट्रांसपोज लेंगे तो देखो क्या आएगा, इसका साइन सब में चेंज हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है अपने को, ये एलिमेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा करिए क्या किया जाए, आप डायगोनल में एलिमेंट ना रखो इसके, ठीक है। अब चूंकि हर एक एलिमेंट को अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा डायगोनल के एलिमेंट चेंज होंगे ही नहीं, है ना, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल का साइन चेंज होगा कि नहीं, तो डायगोनल के एलिमेंट रखना चाहिए हमें नहीं रखना चाहिए, नहीं तो साइन नहीं चेंज हो भाई, डायगोनल का साइन कैसे चेंज होगा, डायगोनल के एलिमेंट ही नहीं है ना, डायगोनल में अगर एलिमेंट कोई आएगा हम साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन उसमें आ जाएंगे कि नहीं, नेगेटिव साइन आ जाएंगे, अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि ट्रांसपोज में डायगोनल की पोजिशन तो चेंज होती नहीं डायगोनल एलिमेंट की, लेकिन यहाँ साइन क्या कर रहा है। अब इस केस में क्या है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, यहाँ से समझना ए का ट्रांसपोज क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट चेंज करें तो 0 आ गया -2, यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो गया 0 होगा, हाँ। अब ये माइनस देखो, अगर मैं माइनस साइन कॉमन कर लूँ या -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर -1 कॉमन कर रहा हूँ तो हर एक एलिमेंट से -1 कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ तो 0 0 ही दे रहेगा, ये क्या हो जाएगा -2, यहाँ 2 हो जाएगा, ये क्या हो गया 0। अब ये मैट्रिक्स ए ही है कि नहीं, नीचे ये माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया कि नहीं, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, एंटी सिमेट्रिक है या इसको, लेकिन यहाँ डायगोनल में एलिमेंट नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना, अगर कभी आता है कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट नहीं रहेंगे या अब्सेंस ऑफ दिस रहेगा, तो क्या ये हम सही मानेंगे या गलत मानेंगे इसको, यह हमारी बात, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट अगर हमने कुछ रख दिए ना, अब स्क्यू सिमेट्रिक में हो भी सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ हो सकते हैं, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में अगर केवल रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो अगर जैसे कहें हम ऐसा यही समझ रहे हो कि किसी भी मैट्रिक्स में नहीं आएंगे तो आप बायस डिसीजन ले रहे हो, ये बात समझ रहे हो कि नहीं, जब इस तरह के एलिमेंट्स होंगे हमारे स्क्यू सिमेट्रिक हों तो हो भी सकते हैं, मतलब आयोटा वगैरह दिया रहेगा, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है एंटी सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक वाले में नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है नहीं ही होंगे, डायगोनल में होंगे तो फिर एलिमेंट की जानती है पोजीशन चेंज नहीं होती, जब साइन हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, वही साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो सेम मैट्रिक्स कैसे मिलेगी, नहीं मिल पाएगी ना, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स ए को, कोई मैट्रिक्स ए है, रिमार्केबल पॉइंट, ए इज ए मैट्रिक्स, तो जो इसका पोर्शन एक बनेगा, इस मैट्रिक्स को ना दो मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है, इस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक प्लस एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखा जा सकता है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है या इनके सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब दोनों के सम के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। अब वो कैसे लिखा जाएगा ये समझो, जैसे मैट्रिक्स ए है, ए को अपन क्या कर सकते हैं,
ए को हम क्या करेंगे यहाँ से समझना। अब इसको हमने कह दिया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज है। 1/2 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो ए प्लस ए डैश है और ए माइनस ए डैश, माइनस का ए डैश प्लस का ए डैश कैंसिल हो जाएगा, कटेगा 1/2 ए, 1/2 ए, ए ही तो आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये जो पोर्शन होता है ये हमारा क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है दोनों को सम करके। सिमेट्रिक वाला पोर्शन क्या होगा तुम्हारा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश होगा। एंटी सिमेट्रिक वाला क्या होगा तुम्हारा, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश होगा। हाफ करेंगे साथ में, और सिंपल मैथमेटिक्स है, प्लस कर देंगे ये होगा। लेकिन नेचर इस तरह से देखना, सिंगल मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये हो गया पहली बात हमारे, जो आपने पढ़ा ना अभी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में एक चीज ध्यान रखना, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स दिया, इसका ट्रांसपोज लिया जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स हैं, इनका क्या लिया जा रहा है, ट्रांसपोज। तो क्या होगा, ये बी ट्रांसपोज इंटू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। ऑर्डर क्या हो जाएंगे इनके, चेंज हो जाएगी, फिर चेंज हो जाएंगे, पहले ए था फिर बी आ रहा था, अब मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आएगा। कभी कभी ये एडजॉइंट में हो सकता है ट्रांसपोज। अब मान लीजिए इनमें कुछ प्रोडक्ट में भी दिया जा सकता है, बहुत कंफ्यूज मत होना। जब मान लो अगर इसे लिखा है के ए का दिया है ट्रांसपोज, कोई स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर दोनों का साथ में क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स में लगेगा, नंबर में थोड़ी होगा, नंबर में क्या पोजीशन चेंज होगा। तो इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये के इंटू क्या होगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। नंबर को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कभी अपने को, ओके, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगला पॉइंट इसमें ये समझना, अगर हमने लिख दिया है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लिखा है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लिखा है, या डैश लिखा है या ट्रांसपोज टी, दोनों बात एक ही है, क्योंकि डैश लिखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए टी लिख दिया हमने। तो ये क्या होगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज भी लिखा जा सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लिखा जा सकता है। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। अंतर है, यहाँ ए का ट्रांसपोज लेकर फिर एडजॉइंट निकाल रहे हैं, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के फिर उसका क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। अंतर समझ में आया, ये अंतर है, ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो बता सकती हो। डन, बाकी एडजॉइंट से रिलेटेड और भी जो फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी सब डिस्कस रखे, नहीं है तो आप ध्यान रखिए, मैं बता दे रहा हूँ, पीछे भी हमने बता रखा है लेकिन दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, और क्या है कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड, सारी चीज़ें तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रांसपोज रिलेटेड हो गया। फिर हमने आपको इसी में बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम मॉड लेंगे क्या आता है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, क्लियर है। और अगर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है तो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है तो कल ही हमने बताया मॉड ऑफ ए आई एन, अगर एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये चीज़ होगा, सब बता रखा है, मैं बस रिवाइज करा दे रहा हूँ, चूंकि साथ में आ गए तो सबको साथ एक बता दे रहे हैं। फिर अगर एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया हमने एडजॉइंट से, तो मान लीजिए एक बार और एडजॉइंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा जरा बता, एडजॉइंट ऑफ ए कर दिया हमने तो, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए ये कर दिया तो, हमने बताओ मॉड ऑफ ए माइनस टू क्या हो जाएगा, ए मॉड ऑफ ए माइनस टू यहाँ क्या हो जाएगा, ए मॉड ऑफ ए माइनस टू यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आई हमारी बात। अब क्या करिए, अब इसका फिर से हमने मॉड ले लिया तो मान लो कुछ नहीं, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ध्यान रखनी होती है किसी फॉर्मूले में। अगर मॉड ले लिया तो हमने एडजॉइंट ऑफ मॉड ए लिख दिया तो, हमने ऐसे लिख दिया हमने तो, यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ ए, यहाँ एन माइनस वन का क्या हो जाएगा, होल मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कर लूँ क्या होगा, मॉड ऑफ ए, सब ए का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ए का डिटरमिनेंट है, मैग्नीट्यूड है, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एन क्रॉस एन की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमें ध्यान रखनी थी।
बात क्लियर है? तो रखा अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई फार्मूला आता है, हम उसको क्या करें, सॉल्व कर ले। आ गई हमारी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? और अभी कभी ये प्रोडक्ट में भी पूछे जा सकते हैं तुम्हारे लिए। जैसे मान लीजिए आपका इसमें प्रोडक्ट का कुछ ऐसे हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ में दिया है एडजॉइंट, तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का हमने एडजॉइंट लिया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये भी हमने ऑलरेडी बता रखा है, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और क्या हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ भी ऑर्डर क्या हो जाएंगे तुम्हारे, इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटू बी था, एडजॉइंट में अलग अलग लिखेंगे, मतलब एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स के जो एडजॉइंट्स होंगे उनके प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है अपनी? कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये सब हमने पहले भी बता रखे हैं, एक अलग से हमने इसका एक वीडियो भी बना रखा है मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का, वहाँ हमने बता रखा है, लेकिन चूंकि अभी बात चल रही थी तो हमने कहा इसको भी साथ में ले लेते हैं, एक बार सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तुम्हारी, कलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत चीज़ें तो नहीं ना, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक समझ गए क्या है ये? ठीक है, अब आ जाते हैं, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ना बहुत सारे कभी कभी आता है आइडमपोटेंट क्या होते हैं, आइडमपोटेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं, या मैट्रिक्स को कब आइडमपोटेंट बोलेंगे हम, है ना, कब ऑर्थोगोनल बोलेंगे हम, कब इन्वोल्ट्री बोलेंगे, बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसमें, है ना, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा, फाइनल मैट्रिसेस क्या होते हैं, कोफैक्टर मैट्रिसेस क्या होते हैं, इसको भी आज हम सब देख लेंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाओ तुम, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं ये समझिए। पहली बात तो यहाँ समझिए, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग आइडमपोटेंट कब बोलेंगे, आइडमपोटेंट क्या हो गया, हाँ आइडमपोटेंट कब बोलेंगे इसको। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये एन क्रॉस एन का हो सकता है, थ्री क्रॉस थ्री का हो सकता है, टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स होती है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडमपोटेंट हम कब बोलेंगे, जब इस मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें और मैट्रिक्स ए ही खुद आ जाए। अगर मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का मैं स्क्वायर करूं तो मैट्रिक्स खुद ही आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडमपोटेंट। आइडमपोटेंट का मतलब हो गया जिस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, मतलब मैट्रिक्स को खुद मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करें। भाई यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, इन जनरल इसकी कोई भी पावर कर देंगे हमेशा ए ही आ जाएगा, लेकिन सिर्फ टू के लिए लिखा होता है। जैसे अब आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे या उस मैट्रिक्स को खुद से इसका प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा वो मैट्रिक्स ही आ जाएगी। अब हमने कह दिया ए क्यूब क्या होगा इसका, तो अब ए क्यूब का मतलब क्या है, ए क्यूब का मतलब क्या लिखोगी तुम, ए स्क्वायर इंटू ए लिखोगी, ए स्क्वायर का मतलब ए हो गया, फिर इंटू में ए आ गया तुम्हें, ए स्क्वायर फिर से हो गया, ए स्क्वायर तो फिर से क्या हो जाएगा, ए ही तो हो जाएगा भाई, इस ए स्क्वायर इंटू ए लिखा आपने, ए स्क्वायर का मतलब ए है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, तो भैया ए इंटू ए फिर से ए स्क्वायर हो गया, फिर क्या हो गया ए। अब इसकी पावर चाहे कुछ भी कर दें हमेशा क्या आएगा, ए ही आएगा। इसका मतलब आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर उस मैट्रिक्स की कुछ भी पावर करेंगे हमेशा वही मैट्रिक्स मिलेगी, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं। लेकिन मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, टू, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, टू होगा, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडमपोटेंट। क्या बोलते हैं, आइडमपोटेंट। कोई दिक्कत वाली बात हो बताओ, आइडम होता है यहाँ, आइडम आई डी ई एम पी ओ टी ई एन टी, आइडमपोटेंट। ठीक है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स के बाद अब आता है इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कब हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, ऑर्थोगोनल कब कहेंगे ये समझना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है, एक ऐसी मैट्रिक्स अगर उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा क्या मिले हमें, आइडेंटी मैट्रिक्स मिले, क्या मिले, आइडेंटी। तो हम बोलेंगे ए का
ए डैश क्या है, मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारा क्या ऑर्थोगोनल है। अगर किसी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब अगर ए हमारा 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसकी क्या बनेगी, 1 0 0 1। अगर ए हमारा 3x3 का है तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगा भाई, I3 हमारा, I3 समझ रहे हो ना, डायगोनल बाउंड। उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज को उससे मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक आइडेंपोटेंट होता है, एक क्या है ऑर्थोगोनल, इन्वोल्ट्री भी है, लेकिन हो सकता है आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है, कहीं भी मिलेगा तो बता देंगे या बता ही देगा हो तो, ठीक है। इन्वोल्ट्री का मतलब क्या है, देखो इसमें यही है, अगर हम इसकी पावर बढ़ाते जाएं, मतलब ए टू करें, ए थ्री करें, ए फोर, ये जो भी करें, ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका उस मैट्रिक्स के साथ खुद के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा क्या आता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई ही आ जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स। इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आई, मतलब उस मैट्रिक्स का खुद के साथ अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसकी पावर चाहे कुछ भी करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए ए क्यूब कर दिया, चलो तो क्या ए क्यूब में हमेशा यही मिलेगा क्या, ये समझना है। ए क्यूब का मतलब जैसे उसमें तो मिल गया, चलो ठीक है, अभी हमने इसके पहले वाला देखा था आइडेंपोटेंट वाले में, ए क्यूब को क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर इंटू ए लिखोगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स वही आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही मैट्रिक्स आती है, तो क्या हो जाएगा, ए ही आ जाएगा ना यहाँ पर। तो इस केस में वो नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना कि हर जगह वही चलता रहे कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसकी पावर चाहे जो भी करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है, मतलब सॉरी इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स अगर आपका है, ए की पावर एन करेंगे तो यहाँ दो ही तरह की मैट्रिक्स मिलेंगी, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी कब, जब एन हमारा क्या होगा, इवन होगा, एन हमारा क्या होगा, इवन होगा, और ये मैट्रिक्स ए ही मिल जाएगा कब, जब एन हमारा क्या होगा, ऑड होगा, जब एन हमारा क्या होगा, ऑड होगा। इसका मतलब जब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो ही तरह की हमें मैट्रिक्स में मिलेंगी, या तो क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, या तो हमेशा क्या मिलेगा, उस वो मैट्रिक्स ए ही खुद मिल जाएगा, अगर मैट्रिक्स ए है तो पर मैट्रिक्स। ए ही कब मिलेगा, जब एन क्या होगा हमारा, ऑड, मतलब ए की पावर क्या है अगर ऑड है तो, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, इवन नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इवन नंबर ऑफ टाइम का मतलब जैसे मान लो ए की पावर 4 है, अब ए की पावर 4 को आप क्या लिखते हैं, ए की पावर 4 को आप लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, आई है, इसका मतलब भी आई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, आई ही होगा। लेकिन अगर ए की पावर 5 है तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या होगा, ए, ये तो आई आई हो गए लेकिन ए ही रहेगा, तो ए आ जाएगा कि नहीं। तो हमने कहा क्या है, इन्वोल्ट्री मैट्रिक्स है तो या तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, या वो मैट्रिक्स खुद ही आएगी, वो डिपेंड करेगा उसकी पावर पे कितनी बार उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल है तो उस मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स के खुद के ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का खुद के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा वो मैट्रिक्स ही खुद आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान हमें रखनी पड़ेंगी, क्या समझ पाई, कोई दिक्कत क्या है ना अपनी, आगे बढ़े। चलिए आप कभी हटाए इसे, ठीक है, इतना पढ़ के रखो, फिर बात करते हैं।